कहा पार्टी छोड़ने वाले हैं, मौका बरस दो। पार्टी ने सोच समझकर किया टिकटों का बंटवारा। दिल्ली में कल होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लेंगे हिस्सा, चुनावी रणनीति और 69 सीटों के टिकटों पर होगा मंथन। उनसे बड़ा कोई मौका परस्त नहीं हो सकता। मेवाड़ संभाग से उठे गुलाबचंद कटारिया को सीएम बनाने की मांग, उदयपुर पहुंचे कटारिया के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, हमारा सीएम कैसा हो गुलाबचंद कटारिया जैसा हो के लगाए ना। दिल्ली में कल होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लेंगे हिस्सा, चुनावी रणनीति और 69 सीटों के टिकटों पर होगा मंथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन राउंड अप, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज का दिन भी इंतजार में बीत गया कि अब कांग्रेस के अपने लिस्ट जारी होगी और सुर्खियां बटोरी की, लेकिन अब तक ना तो लिस्ट जारी हुई है और ना ही कोई औपचारिक बयान आया है। लेकिन हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्होंने आज खूब सुर्खियां बटोरी हैं। एक तरफ तो दिल्ली में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते समर्थक नजर आए, तो वहीं पर दूसरी तस्वीर आज जयपुर में सामने आई जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी के घर के बाहर कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए थे। रामेश्वर लाल डूढ़ी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आज कई कांग्रेसी नेता के निवास स्थान के बाहर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया गया। आपको बता दें जहां पर दरअसल ये तस्वीरें सचिन पायलट से जो लगातार बहस हुई उसके बाद सामने। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी भी नहीं की है कि उससे पहले ही पार्टी के आला नेताओं का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को फुरेला की टीम पर टिकट वितरण को लेकर सचिन पायलट और रामेश्वर डूढ़ी के नोकझोंक के बाद अब रामेश्वर डूढ़ी का विरोध खुलकर सामने आ गया है। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रामेश्वर डूढ़ी के आवास पर पहुंचे और करीब एक घंटे तक जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फुलेरा से जिस महिला प्रत्याशी का समर्थन रामेश्वर डूढ़ी कर रहे हैं वो कभी क्षेत्र में ही नहीं गई। इसके साथ ही उस महिला को टिकट दिलाने के लिए रामेश्वर डूढ़ी आला कमान पर दबाव भी बना रहे हैं जिसका विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने फुलेरा से उस महिला प्रत्याशी को टिकट दिया तो पूरे फुलेरा विधानसभा के कार्यकर्ता नोटा का प्रयोग करते हुए विरोध जताए। हमारे किसान नेता डॉक्टर हरि सिंह को नजरअंदाज करके और रामेश्वर डूढ़ी ने एक बारी महिला को टिकट देना चाह रहा है, निजी संबंधों के चक्कर में वो कतई ही बर्दाश्त नहीं है। फुलेरा की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। विधानसभा क्षेत्र फुलेरा जो कि गत तीन चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, उस हॉट सीट पर भारी प्रत्याशी आकर के अपना रोब जमाना चाहते हैं, कब्जा जमाना चाहते हैं। यहाँ की जनता पागल नहीं है फुलेरा विधानसभा की, पूरे खिलाफ है। पूरा तहसील नहीं, पूरे तहसील के आसपास के जो विधानसभा है वहाँ तक ही नाराज है कि जो आदमी दूसरी विधानसभा वाले नाराज हैं, क्योंकि वो जो 40 साल से जो आदमी सेवा कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, उस किसान और किसान राजस्थान का एक मजबूत किसान नेता है जो हर समाज, चाहे मुसलमान हो, जाट हो, गुजर हो, बलाई हो, ब्राह्मण हो, माली हो, कोई जैनी हो, सब समाज को साथ लेके चलने वाला, और वो उसको उनको दरकिनार करके और डूडी अपना मिशन चला रहा है। उस व्यक्ति से क्या संबंध है ये तो वो डूडी का नीचे मामला है। और इसी वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस में टिकट पर अब तक माथापच्ची का दौर लगातार चल रहा है। सीएससी में विवादित सीटों पर 4 सदस्यीय कमेटी अब फैसला लेगी। कल सीएससी की बैठक में विवाद वाली सीटें कमेटी को सौंपी जाएगी। फुलेरा, नोहर, संगरिया, ओसिया सीट कमेटी को दी गई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। सीनियर नेताओं की 4 सदस्यीय कमेटी इन सीटों पर ही फैसला लेगी। वहीं पर अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, वीरप्पा मोइली,
पीसी चाको इस टीम में शामिल किए गए हैं, जो कि अब इन चार सीटों के मद्देनजर फैसला लेने वाले हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, कांग्रेस में टिकट पर अब तक लगातार पच्ची का दौर लगातार चल रहा है। सीईसी में विवादित सीटों पर चार सदस्यीय कमेटी अब फैसला लेगी। कल सीईसी की बैठक में विवाद वाली सीटें सौंपी गई है, कमेटी को सौंपी जाएगी। फुलेरा, नोहर, संघरिया, ओसिया सीट कमेटी को दे दी गई है, ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से मनोहर बिश्नोई और जयपुर से सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले मनोहर, आपका रुख करना चाहेंगे, कांग्रेस में टिकटों पर लगातार जो मातापच्ची का दौर चल रहा था कहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है। पच्ची चल रही है, वो लगातार अब 24 घंटे हो चुके हैं, फिर भी एक सूची जारी नहीं कर पाई कांग्रेस अभी भी। लेकिन देश प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं और जो टिकट पाने वाले लोग हैं उनको इंतजार है उस सूची का, लेकिन अभी तक सूची जारी कांग्रेस नहीं कर पाई है। लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि कल जो जिस तरीके से सीईसी की बैठक में जो विवाद हुआ था जिन सीटों को लेकर के, उन सीटों को कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया गया है। उन सीटों पर जो कमेटी बनी हुई है, ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है चार सदस्य, क्योंकि वो कमेटी जो सीईसी की विवादित सीटें हैं उन पर जो है अलग से मंथन करती है, उन पर ऑब्जर्वेशन करती है, और उसके बाद है वो कमेटी फैसला लेकर के उन सीटों पर टिकटों का बंटवारा किया जाता है। तो लिहाजा राजस्थान की जो चार टिकटें हैं उसमें अभी सूचना ऐसी मिल रही है कि जो फुलेरा, संगरिया, नोहर, ओसिया सीट है उनको, इन चार सीटों को है वो कमेटी को फॉरवर्ड किया गया है, और कमेटी है वो इन चारों सीटों पर अपने विवेक और अपने जो है सर्वे या ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन सीटों का फैसला करेगी, ऐसी अभी जानकारी मिल रही है। दूसरा, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सीटों का बंटवारे को लेकर और जो टिकट की सूची पहले जो आने वाली थी वो अभी तक नहीं आई है, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन अभी भी एक कांग्रेस का एक खेमा कह रहा है कि देर रात तक एक सूची जारी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कल सवेरे सूची आने की संभावना है। इस प्रकार से सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, देश भर के कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं, वो प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं, सबकी जो है उत्सुकता है बनी हुई है कि सूची कब जारी होगी, उसमें कौन कौन उम्मीदवार होंगे और किन किन चेहरों को मौका दिया जाएगा। कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के और जो विपक्षी लोग हैं उनको भी है, और कांग्रेस के दावेदार हैं उनको भी है। जी, और बिल्कुल जिस तरह से, और ये जो इसी बीच खबर आई है कि ये चार सीटों को सीसी की बैठक वाली जो विवाद वाली ये जो सीटें हैं उन्हें कमेटी को सौंपा जाएगा, या फिर ये चार सीटों पर यही उम्मीदवार तय करेगी कमेटी, इसको लेकर ये बड़ा जो विवाद है इसे ही वजह माना जा रहा है। सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, अभी तक तो पहली लिस्ट ही जारी नहीं हुई है, उससे पहले ही आज जयपुर में फुलेरा विधानसभा सीट को लेकर प्रदर्शन करते हुए तमाम कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए थे, उसी विवाद को लेकर जो कि कल हुई मीटिंग में सचिन पायलट और रामेश्वर डूढ़ी के बीच हुआ था। तो ऐसे में चुनाव तो बात की बात है, लेकिन इसी समस्या से पार पाना टेढ़ी खीर लग रहा है कांग्रेस के लिए। डैमेज कंट्रोल की कवायद तो अभी टिकट के बाद होगी, सूची के बाद होगी। देखिए, इन चार सीटों का विवाद अपनी जगह है, लेकिन आम कांग्रेस का कार्यकर्ता ये नहीं समझ पा रहा है कि चार सीटों की वजह से कांग्रेस की पहली सूची क्यों रोके हुए हैं। अगर 110 या 20 नामों पे सहमति बनी है तो क्यों नहीं वो सूची जारी हो पा रही है। तस्वीर अंदर की जो है दरअसल इतनी आसान नहीं है जो बाहर से नजर आ रही है। इन चार सीटों में से दो सीटें हनुमानगढ़ जिले की है, नोहर और संगरिया। जिस तरीके से हम बार बार बता रहे हैं कि उस जिले का समीकरण जो है वो इस तरह से बन रहा है कि एक गैर जाट को टिकट देना है, तो तय ये करना मुश्किल हो रहा है कि संगरिया वो गैर जाट सीट हो या नोहर गैर जाट सीट हो, क्योंकि दोनों ही जगह दो उम्मीदवार जाट हैं और दो गैर जाट हैं। जहां संगरिया की बात करें तो शबनम गोदारा जो है जाट के तौर पर दावेदारी पेश कर रही है, और रामेश्वर डूडी लगातार उनकी पैरवी कर रहे हैं, जबकि दूसरा जो नाम पायलट की तरफ से सामने आ रहा है वो वहां के जिलाध्यक्ष केसी बिश्नोई का है, जिनको लेकर पैरवी की जा रही है। दूसरी तरफ नोहर में राजेंद्र चचान गैर जाट के तौर पे हैं, जबकि सुचित्रा आ रही है जाट के तौर पे वहां पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। दोनों सीटों का समीकरण एक दूसरे को प्रभावित करेगा, ऐसे में ये इन नेताओं के लिए आसान नहीं था
कमेटी को नाम भेजे गए हैं। जयपुर ग्रामीण की जो फुलेरा सीट है, डॉक्टर हरि सिंह कदावर नेता है, हालांकि तीन बार से फुलेरा का जो समीकरण है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया है, तीन बार से भाजपा लगातार वहां चुनाव जीत रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि इस बार कुछ बदलाव हो, कुछ नए नाम सामने आए, इसी वजह से कांग्रेस के दो अलग अलग धड़ों में सहमति बनना बेहद मुश्किल हो गया। कमेटी को भेजे गए हैं चारों सीटों के नाम। चलिए, चारों सीटों पर लगातार जो मातापच्ची का दौर है वो जारी है, और इसी मातापच्ची को देखते हुए, इसी विवाद को देखते हुए चारों विवाद वाली सीटों को कमेटी को दे दिया गया है। आगे क्या कुछ फैसला होता है कमेटी की ओर से ये देखने वाली बात होगी। वहीं पर इंतजार फिलहाल कांग्रेस की पहली लिस्ट का हो रहा है, और सवाल ये भी है कि आखिर 110 या 120 नामों पर सहमति बन चुकी है तो पहली लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रही। फिलहाल शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए आपका भी, वहीं पर मनोहर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बात फुलेरा विधानसभा को लेकर हो रही मातापच्ची की हो रही, जिसे लेकर लगातार आज घमासान मचा हुआ नजर आया। सीट पर वरिष्ठ और युवा नेतृत्व को लेकर खींचतान हो रही है। डॉक्टर हरि सिंह और प्रधा चौधरी की इस सीट पर दावेदारी है, और कांग्रेस के दो अलग अलग कैंप दोनों की पैरवी करते हुए दिख रहे हैं। इस सीट को लेकर सीईसी की बैठक में भी जमकर हंगामा बरपा था। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डूढ़ी के घर के आगे प्रदर्शन किया। क्या फुलेरा विधानसभा सीट ने कांग्रेस में कई खेमे बना दिए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। पार्टी अनुभव को तरजीह देगी या फिर युवा चेहरे को मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात है। और चलिए फुलेरा सीट से कांग्रेस की दावेदार स्प्रधा चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्प्रधा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जी राजस्थान न्यूज पर। फुलेरा सीट से आप दावेदारी पेश कर रही है, और ऐसे में आज तस्वीरें आपने देखी होगी, बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता रामेश्वर डूढ़ी के निवास स्थान के बाहर पहुंचते हैं, विरोध दर्ज करवाया जाता है। आखिर सहमति बनती हुई इस सीट पर नजर नहीं आ रही है, और इसी के मद्देनजर अब इस सीट को कमेटी को सौंप दिया गया है। उन चारों विवादित सीटों में से ये सीट भी है, आप क्या कहेंगे स्पर्धा जी? आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल। फुलेरा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो ये सीट विवादित सीट मानी जा रही है, और जो समीकरण इस पर बन रहे हैं वो युवाओं को तरजीह मिले, यानी आपको तरजीह मिले, या फिर अनुभव को, आप क्या कहेंगे इस पर? आज जो कुछ जयपुर में हुआ विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, तक आपकी आवाज आ रही है जी? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पार्टी हाई कमान बहुत बारीकी से सभी सीटों पे निर्णय ले रहा है, जिसमें फुलेरा भी एक सीट है, और राहुल गांधी जी ने, जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कांग्रेस पार्टी में करी है, जिसकी शुरुआत वो राजस्थान से करना चाहते हैं। मैं मेरी बात करूं तो मैं एक युवा भी हूं और एक महिला भी हूं, और छात्र राजनीति से उठकर विधानसभा की बात करें अनुभव की और तजव तो अनुप्रेरित की है, और जो प्रदर्शन की विरोध की आप बात कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, जो भाजपा तो कभी कांग्रेस, जिनका कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए कभी कोई योगदान नहीं रहा है। इसलिए इस मुद्दे को मैं ना चर्चा करते हुए सिर्फ इतना कहूंगी कि राहुल गांधी जी के सभी समीकरणों एक महिला को और एक युवा को पार्टी यहाँ से मौका देगी, और मुझे ये मौका मिलता है तो 15 साल का वनवास खत्म करते हुए मैं ये सीट पार्टी के खाते में दूंगी। लेकिन अशोक गहलोत की भी तो यही कोशिश रही स्पर्धा जी कि अनुभव को भी तरजीह दी जाए, अनुभव भी बोलता है, ये लगातार तस्वीरें ऐसा नहीं है कि इससे पहले हुए चुनाव में सामने नहीं आई है, अनुभव की भी एक अपनी जगह है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, अनुभव बोलता है, हो सकता है मुझे अनुभव अभी तक एमएलए बनने का ना रहा हो, लेकिन संगठन में बतौर कई पदों पे काम कर, चलिए ठीक है, अगर टिकट नहीं मिलती, अगर आपका नाम नहीं आता है तो फिर आगे क्या रहेगा जी? मेरा नाम आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि पार्टी अनुभव के साथ साथ युवा और महिलाओं को तवज्जो देती है मैडम। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो फुलेरा सीट से कांग्रेस की जो दावेदार है स्प्रधा चौधरी, उनसे हमने बातचीत की, बेहद कॉन्फिडेंट वो नजर आ रही थी, जिस तरह से राहुल गांधी की ओर से महिला और युवाओं को तरजीह देने की इस सूची में बात की गई है, और ऐसे में दोनों की फायदे उन्हें मिलेंगे, ये बात वो कहती थी। नमस्कार। कांग्रेस की पहली लिस्ट आज देर रात जारी हो सकती है, हालांकि पार्टी की ओर से कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया है। पार्टी के नेताओं के बीच टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में लिस्ट जारी करने को लेकर लगातार बैठकें भी जारी है, और दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में कुमारी शैलजा, रामेश्वर डूढ़ी, अविनाश पांडे, सचिन पायलट मौजूद है। विवेक बंसल भी 15 GRG में
चल रही इस बैठक में शामिल हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि शेष 50-60 सीटों पर मंथन चल रहा है। इसके साथ ही जयपुर और जोधपुर संभाग की सीटों पर भी मंथन होना। बीजेपी प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही सीएम वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ रही हो, लेकिन प्रदेश को चार सीएम देने वाले मेवाड़ संभाग से एक बार फिर गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया को सीएम बनाने की मांग उठने लगी है। दरअसल बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद उदयपुर पहुंचे गुलाबचंद कटारिया के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हमारा सीएम कैसा हो, गुलाबचंद कटारिया जैसा हो के नारे भी लगाना शुरू कर दिया था। वही कार्यकर्ताओं का नारा सुनकर गुलाबचंद कटारिया भी अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। इतना ही नहीं, जब गुलाबचंद कटारिया अपने घर पहुंचे तो वहां भी उनके परिवार के सदस्यों ने उनके रिकॉर्ड मतों से जीतने और सर्वोच्च पद मिलने की प्रार्थना की। हालांकि इस दौरान खुद कटारिया ने अपने आप को पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हुए राष्ट्रहित में कार्य करने की बात कही। वही कटारिया के सीएम बनने की चर्चा पर विरोधियों ने भी उन पर हमला बोला। विरोधियों ने कहा कि सीएम बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए जो कि कटारिया के पास नहीं है। मेरी पार्टी उस दिशा में जाए जिसमें हम देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना सकें, उस कल्पना से हमने 60 साल से काम करना शुरू किया। जब संघ में पहली बार जाना शुरू हुआ तो हमारा आधार देश था, हमारा आधार व्यक्ति नहीं था, पार्टी नहीं थी, वो सेकेंड थर्ड है, वही आज भी है और उसी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और ईश्वर जरूर सफलता दे। और गुलाब जी भाई साहब का हमारा जो व्यक्तित्व है उनमें कथनी और करनी का बहुत अंतर है। भाई साहब कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनको येन केन प्रकरण लाल बत्ती चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई साहब किसी की कार्यकर्ता की कुर्बानी वो दे सकते हैं। आज भरोसे शेखावत मंच में जितने भी लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ समर्पित और पार्टी के फाउंडर लोगों में से लोग हैं। सारे लोग उनको उपेक्षित किया गया और भाई साहब ने एक ही काम किया कि हम बड़े क्योंकि कईयों को गिरा के हम खड़े, उन्होंने सबको नीचे गिराने का काम किया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागौर विधायक हबीबुर रहमान ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। हबीबुर रहमान
इससे पहले लगातार दो बार नागौर से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। नाराज होकर हबीबुर रहमान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस दौरान हबीबुर रहमान से एक गलती हो गई, उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी को इस्तीफा भेजने के बजाय इसे प्रभुलाल सैनी को भेज दिया। बहरहाल दो बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी के विधायक रहे हबीबुर रहमान कांग्रेस काल में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हबीबुर रहमान आज नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। आपको ये बता दें कि बीजेपी ने उनका टिकट काटकर मोहन राम चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार चुनाव में आपको बेहद अजीबोगरीब चुनाव चिन्ह देखने को मिल सकते हैं। जूते, चप्पल, मोजे, बिस्किट, फूलगोभी और पता नहीं क्या क्या। जी हां, हो सकता है कि आपके यहां के किसी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह हरी मिर्च हो। जी हां, हंसिए मत, इस बार कई उम्मीदवारों को ऐसे ही चुनाव चिन्ह मिले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान केंद्र पर केक से लेकर खाने की थाली तक मिलेगी। जी हां, हंसिए नहीं, ये सच है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो वोटिंग मशीन में आपको आइसक्रीम, हरी मिर्च, केक, खाने की थाली नजर आ सकती है। निर्वाचन विभाग ने निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए जो चुनाव चिन्ह जारी किए उनमें खाने के सामानों की लंबी लिस्ट है। निर्वाचन विभाग ने 162 चुनाव चिन्ह जारी किए हैं जो आपको भ्रम में भी डाल सकते हैं और आपके लिए उन चुनाव चिन्हों को खोजना बेहद मुश्किल हो सकता है। इस बार जारी सूची में एक्सटेंशन बोर्ड, हेडफोन, फोन चार्जर, हेलमेट, लंच बॉक्स, पानी गर्म करने की रॉड, नूडल्स कटोरा, पेट्रोल पंप, रूम हीटर, सिरिंज, कूदने की रस्सी, वैक्यूम क्लीनर है। चुनाव चिन्ह की सूची में करीब 20 से ज्यादा खाने के आइटम्स भी हैं। ब्रेड, बिस्किट, शिमला मिर्च, मटर, केक, फूल गोभी, हरी मिर्च, अंगूर, आइसक्रीम, भिंडी, नाशपाती, मूंगफली, खाने की थाली, अनानास, अखरोट और तरबूज चुनाव चिन्ह की सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही एयर कंडीशनर अलमारी, ऑटो रिक्शा, बेबी वॉकर, गुब्बारा, फलों की टोकरी, बल्ला, बल्लेबाज, बैटरी टॉर्च, मोतियों का हार, बेल्ट, बेंच, साइकिल पंप, दूरबीन, बिस्किट, ब्लैक बोर्ड समेत कुल 162 चिन्ह हैं। 22 नवंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। हर चुनाव को देखें तो हर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोकते हैं। इनमें आधे से अधिक विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव भी लड़ते हैं, तो करीब 10 से 15 दावेदार निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में मैदान में उतरते हैं। इनमें से कुछ टिकट नहीं मिलने से असंतुष्ट होते हैं तो कुछ राजनीतिक समीकरणों को फिट करने में लगे राजनीतिक भी पर्दे के पीछे रहकर मैदान में उतारते हैं। जयपुर से दीपक गोयल, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद पहली बार राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में मीडिया से बातचीत की। इस अवसर पर मीणा ने कहा कि पार्टी ने बहुत सोच समझकर टिकटों का बंटवारा किया है और जो लोग भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो मौका परस्त है। मंत्री सुरेंद्र गोयल के बगावत पर मीणा ने कहा कि पार्टी ने सुरेंद्र गोयल को 5 बार विधायक बनाया और मंत्री भी बनने का मौका दिया, इसके बाद भी उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उनसे बड़ा मौका परस्त और कोई हो नहीं सकता। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। और इसी के साथ इलेक्शन राउंडअप में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए जी राजस्थान न्यूज के साथ।